दिस इज डे 5 ऑफ गेटिंग माय लाइफ टुगेदर. आज का मैंने रूटीन बना लिया है. आज मैंने सोचा है कि कम से कम 6 घंटे पढ़ेंगे, पर आई विल शो यू मेरा दिन कैसा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द डे. और ये 6 घंटे मुझे किसी भी तरह शाम 6 बजे तक कंप्लीट करने हैं. रात का टाइम आई एम नॉट काउंटिंग, सो 6 बजे तक ही मुझे रूटीन कंप्लीट करना है. और एटलीस्ट 1 घंटे तक रिविजन करूँगी जीएजल का. उसके बाद देखती हूँ मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, या फिर जीएजल ही कंटिन्यू करूँगी. फिलहाल मैं अपने रिविजन नोट्स से पढ़ रही हूँ, और जो कि मेरी कोचिंग वालों ने दिए थे. और मैंने क्लासेस ली थी, तो मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं ऑनलाइन थी. तो मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग टैब अभी. और लेट्स सी, 1 घंटे तक का हम टाइमर लगाते हैं और पढ़ते हैं. मैं इस टाइमर का यूज़ करती हूँ, कोई खास वजह नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ. फिर मैंने अपना रिविज़न स्टार्ट कर दिया. यू नो रिविज़न्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब पढ़ो ना, ऐसा लगता है कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, बट देन क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठो तो लगता है यार सब भूल गया, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. पढ़ते टाइम बहुत बोरिंग लगता है. Is completed and now I'm gonna go eat something क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. तो मैं देखती हूँ अगर कुछ है नाश्ते या खाना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन अपनी पढ़ाई. कुछ पराठे का मसाला बचा हुआ था तो मैंने अपने लिए बनाए पराठे. बहुत टेढ़े मेढ़े से हैं, मुझसे नहीं आ रहे थे. बना लिए मैंने अपने पराठे. कैसे भी बने हैं बेचारे, खाने लायक तो होगा ही टेस्ट. क्या हो गया, कम नंबर ला रहा है? हाँ क्या ये बोल रहा है? 11 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
अब मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लिया है, ऐसा करते हैं लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं। अब ये दो चैप्टर कंप्लीट करते करते ही मेरे सुबह के 3 घंटे पूरे हो गए थे। इतने कोई ख़ास चैप्टर बड़े थे नहीं, बट हाँ उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। और फिलहाल 12 बजने ही वाले हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटे का ब्रेक ले सकती। तो लेट्स सी, इसके बीच में अपन लंच कर लेते हैं और भी थोड़े बहुत बाकी बचे काम है इधर उधर के कर लेते हैं। अगर मैंने ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया तो फिर मैं आलसी हो जाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी फिर मैं, और फिर मैं सो जाऊँगी। लंच में है छोले और चावल, तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो आज मैं यही खाऊँगी। लेट्स ईट देम। पता है जब हम लोग घर में रहते हैं और घर में सेल्फ स्टडी करनी होती है ना, सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि जो टाइमिंग होता है ना, लगता है थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और कोई ऐसा फिक्स रूटीन बनाना भी कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, यू नो, बिकॉज अपन के आस पास अलग चीज़ें चल रही होती है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। पढ़ने वाली हूँ टैक्स और मुझे ये सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो करें अपन। मेरे घर में काम चल रहा है और बहुत खट 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 की आवाज़ आ रही है, यू नो बैकग्राउंड पर, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो स्टार्ट करते हैं। इस है अपना टैक्स और लिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ ITC। अब बस थोड़ा ही बहुत मेरा GST का रिवीजन बचा है। ये बातें आपने ब्रिटिश स्टेशन हमारे दो
मेरा बस मन कर रहा है मैं वहाँ जाके सो जाऊँ, मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है हो गया। सिर्फ एक घंटे हुए, कैन यू इमेजिन। और मुझे पता था कि सुबह का टाइम तो निकल जाता है, ये दोपहर वाला टाइम इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। 2 hours मोर और फिर उसके बाद सो जाऊंगी। किसी भी तरह अपनी नींद को कंट्रोल किया और कंटिन्यू किया अपना रिवीजन। सो फाइनली मेरे 2 घंटे पूरे हो रहे थे, अभी भी कुछ टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि यार चलो चाय पी लेते हैं। तो मैं पहुंच गई चाय बनाने, जो कि मैं दिन भर ही करती रहती हूँ। घर में चाय बनाना मेरा ही काम है, सुबह शाम मेहमान आए बस चाय चाय चाय। और मम्मी को चाय दी और अब मैं चाय लेकर, जो कि मेरे दिन की तीसरी चौथी चाय है, लेकिन फिर से पढ़ाई करने बैठ गई और बस अपने आप को किसी तरह मोटिवेट रखने की कोशिश कर रही हूँ। फाइनली फाइनली मेरे 3 घंटे पूरे हो गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो, बाय।